नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर से दिल्ली चलने वाली हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना ट्रेन B6 डब्बे में अचानक से ब्रेक शू चिपक जाने की वजह से आग लगने जैसी घटना घटित हुई है, जिसमें B6 बोगी में धुआं ही धुआं निकलने लगा, जिसके बाद घटनास्थल में हड़कंप मच गया और कुछ यात्री अपने अपने सामान को लेकर उस डिब्बे से नीचे उतरने का प्रयास करने लगे और घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। हालांकि रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा आग को काबू पाने के लिए भरसक प्रयास किए गए, जिसके बाद अग्निशमन यंत्रों के माध्यम से आग को बुझा दिया गया, जिसके बाद सफर कर रहे यात्रियों ने राहत की सांस ली। वही इस घटना की वजह से करीब 40 मिनट ट्रेन है हरदुआ पर रुकी रही, जिसके बाद जरूरी सुधार कार्य करने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। इस घटना से किसी भी प्रकार से कोई जनहानि होने की कोई सूचना नहीं है। इस घटना कटनी के मुंडवारा स्टेशन के समीप हरदुआ में घटित हुई। वही संबंध में CPRO राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि गोंडवाना एक्सप्रेस जबलपुर से दिल्ली के लिए निकली थी, जहां हरदुआ के पास भी सिक्स बोगी के ब्रेक शू जाम हो गए, जिसमें अत्यधिक धुआं निकलने लगा। वहीं रेलवे प्रशासन के कर्मचारियों के द्वारा सुधार कार्य करते हुए ट्रेन को रवाना किया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अभी सूचना मिली है कि जबलपुर से निजामुद्दीन जा रही गोंडवाना एक्सप्रेस 22181, इसमें ब्रेक ब्लॉक जाम हुआ है। ये ट्रेन जब हरदुआ से निकली उसके बाद 17:27 पे ये रिपोर्ट हुआ है, ब्रेक ब्लॉक में थोड़ी इसमें गड़बड़ी आई है, जिसको कि सुधार कर तुरंत अटेंड किया गया और इसका सुधार करके 17:50 पे ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।